मायावती जी पे समाज को कोई भरोसा रहा नहीं है। जो बहुजन की बात करेगा वो ही दिल्ली पे राज करेगा। दलित जो उम्मीद कर रहा था दिन पे दिन डाउनफॉल हो रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी से सूपड़ा साफ होने के बाद बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता मायावती ने कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। छोटे बड़े बहुत नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वही निकाले गए नेता अब उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अलीगढ़ के पूर्व बसपा नेता ने बसपा सुप्रीमो को इतना सुनाया कि मायावती सुन ले तो गुस्से से लाल हो जाए। पूर्व बसपा नेता ने मायावती पर बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि बहुजन समाज का बहन जी से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उनके रहते दलितों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ उन लोगों को फायदा हुआ जो मायावती के करीबी थे। मायावती जी पे समाज को कोई भरोसा रहा नहीं है। तरीके की समाज की विचारधारा बन रही है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुजन समाज जो है आज ऐसा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें पता नहीं, जैसे हारा हुआ ज्वारी को ऐसा लगता है कि मेरा तो सब कुछ चला गया। इसी तरीके से दलित समाज को कुछ बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार आने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वहाँ भी उन्हीं लोगों ने फायदा उठाया जो मायावती जी के इर्द गिर्द लोग। अब तक बसपा से निकाले गए नेता ने बातों बातों में ये संकेत भी दिया कि अब बहुजन समाज मायावती को दरकिनार कर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ जा सकता है। हाँ, कर सकता है। जो बहुजन की बात करेगा वो ही दिल्ली पे राज करेगा और वो ही दलितों के दिल पे राज करेगा। इतना ही नहीं, पूर्व बसपा नेता ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट का नाम आता है तो वो सिर्फ पैसा पैसा करती है, जिसके वो खुद भुक्त भोगी है। नहीं, बहन जी से मतलब सरकार बनाने के लिए जो दलित जो उम्मीद कर रहा था दिन पे दिन डाउनफॉल हो रहा है। वोट का परसेंटेज दिन पे दिन गिरता जा रहा है। अगर यहाँ लोकल जो कार्यकर्ता हैं, लोकल लीडर हैं, अगर उनसे कोई भी टिकट की बात करता है तो केवल पैसा पैसा पैसा। दलितों पे कहाँ है पैसा? तो क्या मतलब पार्टी में पैसा चलता है सर? हाँ, बहुत चलता है पैसा, इतना ज़्यादा चलता है। मैं खुद कोऑर्डिनेटर हूँ, इसका शिकार हूँ। तो मतलब इसी वजह से पार्टी छोड़ी? हाँ, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी है। जब उनको मालूम पड़ी तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। आखिर में नेताजी ने बसपा अध्यक्ष को होश में आने की बात कह दी और सलाह देते हुए क्या क्या कहा सुनिए। दलित समाज की बिल्कुल ये इच्छा है कि या तो बहन जी होश में आ जाएं, कार्यकर्ताओं के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। अगर वो समाज के लिए काम नहीं करेंगी तो समाज किसी भी वक्त पलायन कर जाएगा, ये बहन जी भी जानती हैं, क्योंकि पहले 21% वोट था और आज 8.5% वोट रह गया है। इससे आप खुद समझदार हैं। ठीक। तो अदने से नेताजी इतनी बड़ी राजनेता को दम भर सुना गए। अब देखना ये है कि इनकी इस सलाह पर बसपा सुप्रीमो कुछ तवज्जो देती भी है कि नहीं।